गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। सबसे पहले आप लोग चैप्टर सेकंड, चैप्टर फर्स्ट जो है अपना क्रॉप क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसमें कौन कौन से फिगर्स बनाने हैं इसमें क्लिक कर लीजिए। इसमें आपको बनाना है फिगर 1.1 का ए, जो प्लाउ है उसे बनाना है। फिर आपको फिगर 1.1 का बी जो इसमें दिया गया है वो है ना, वो भी बनाना है आपको। पेज नंबर 7 में टेबल दिए गई है ना, उसमें टेबल 1.1 है, डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर है ना, ये टेबल बनानी है आपको नोटबुक में। उसके बाद पेज नंबर 9 में जो ये इरिगेशन में आपको दिया गया है स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन है ना, ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम, इसमें आपको दोनों फिगर बनाने हैं, फिगर 1.5 का ए एंड फिगर 1.5 का बी, दोनों ही फिगर बनाने हैं। ओके मैम, इतने फिगर आपको बनाने हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बेटा, तो वी कंटिन्यू ओवर चैप्टर, चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। टुडे वी डिस्कस व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ओके, व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, तो देयर आर 7 ना, 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। फाइव रीजन ऑफ व्हाई कोवी एडिशन मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage. Okay, so in brief, short में की बात करें, पहले उसको short में समझते हैं, इसके बाद उसको detail में पढ़ेंगे। Irrigation is why, in this, we prepare our soil for cultivation. We do crop media and also tell us in, उसमें हम लागू करते हैं, तो नहीं करते हैं, वॉइस नहीं आ रही क्लियर। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैम मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम प्लीज वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आई थिंक मैम को नहीं सुनाई दे रहा हम लोग क्या बोल रहे हैं। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। अर्पिता मैम रिप्लाई नहीं दे रही। मैम मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ मैम
मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। हेलो मैम, अब तो मैम भी नहीं दिख रही है। ओके, सो फर्स्ट इज, फर्स्ट प्रैक्टिस इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसको आप समझ चुके हैं, इसमें हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं फॉर कल्टीवेशन। तो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर गोइंग ए क्रॉप। जब हम क्रॉप को ग्रो कराना चाहते हैं किसी भी कल्टीवेशन एरिया में, सबसे पहले हम इस सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड यूज इट। टर्न द सॉइल एंड यूज इट, यानी जो सॉइल है, जो नीचे की सॉइल है उसे ऊपर लाना, ऊपर की सॉइल नीचे ले जाना, दैट इज टर्निंग। जब हम टर्निंग करते हैं तो क्या होता है, हमारी सॉइल पोरस हो जाती है ना। पोरस मीन उसमें जो होल्स हैं वो छोटे होल्स हो जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन भी हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर पेनिट्रेट। जो छोटे छोटे से जो प्लांट हैं उनका जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ है, उनकी जो सॉफ्ट रूट्स हैं वो इजिली पेनिट्रेट हो जाती हैं और वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया सॉइल हमारी लूज होगी, उसमें क्या होगा, उसमें छोटे छोटे होल्स होंगे जिनमें ऑक्सीजन भी हो जाती है और वो ऑक्सीजन रूट्स को अवेलेबल हो जाती है और इजीली ब्रीथ कर पाते हैं ना, उनमें वृद्धि होती है, वो प्रॉपर ग्रो करते हैं, ठीक है। ओके, व्हाई डस लूजनिंग ऑफ द सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली, क्योंकि जो होल्स है वहां पर ऑक्सीजन है तो इसलिए अवेलेबल हो जाएगी और वो ब्रीथिंग कर पाते हैं। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट फॉर्मिंग माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। सेम इसी तरह यदि हमारी सॉइल लूज है ना, उसमें होल्स है, उसमें उस तरह क्या होगा, होल्स में ऑक्सीजन है तो जो सॉइल में आर्ट फॉर्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, उनको इजिली ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाती है और वो भी सर्वाइव करते हैं, डीकम्पोजिशन, प्रॉपर डीकम्पोजिशन कर पाते हैं और मैन्योर का नेचुरली मैन्योर को फॉर्मेशन करते हैं, ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। ये जो अर्थवर्म है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये मोस्टली कैसे हैं, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फार्मर की हेल्प करते हैं, क्योंकि ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं। ये डेड एंड डिकिंग जो मैटर है उनको डीकम्पोजिशन करके ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को नेचुरली मेंटेन करते हैं, इसलिए ये फ्रेंड कहा गया था, फार्मर्स फ्रेंड। ओके, यू और हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस पहले के क्लासेस में है ना, दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स वाटर एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एडिशन दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डीकम्पोज बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म। जो डेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका डीकम्पोजिशन कौन करता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ये बैक्टीरिया और फंजाई है, जो सॉइल में है सही अवेलेबल है ना, ये उनका डीकम्पोजिशन कर देते हैं यानी ब्रेक डाउन कर देते हैं। जो ना लार्ज कंपोनेंट्स हैं वो सिंपल कंपोनेंट्स पे कन्वर्ट कर देते हैं यानी लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं और सॉइल के थ्रू दोबारा से क्या है, प्लांट्स को अवेलेबल हो जाता है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। ओके, वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू दिस सॉइल। ओके, ये हम सब समझ गए हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। जो हमारी सॉइल है उसमें कुछ सेंटीमीटर है ना, ये जो सॉइल है वो हमारी कैसी फर्टाइल सॉइल कहलाती है, ठीक है। जो ऊपर से आप जानते हैं सॉइल के अपर मोस्ट लेयर है, दैट इज नोन एज फर्टाइल सॉइल, ठीक है। तो उसमें क्या है, प्लांट जल्दी ग्रो करते हैं। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रेक्स द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल टू द टॉप, ऊपर ले आते हैं इसे, सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स
का यूज कर पाते हैं, इसीलिए टर्निंग किया जाता है, नीचे की सॉइल है ऊपर, ऊपर की सॉइल को नीचे, ठीक है। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन, ये बहुत जरूरी है ना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी पाना है, अच्छा क्रॉप पाना है, तो हमें ये फर्स्ट स्टेप जो है वो जरूर करना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल स्टार्ट, इसी को हम टिलिंग भी कहते हैं, टिलिंग है ना, और लाउजिंग, लाउजिंग, ओके। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लाउ, ओके, फिगर आपको बना हुआ है, फिगर 1.1a द प्लाउ, ये है आपका 1.1 प्लाउ, है ना, ये बना हुआ, इसको टिलिंग क्या है, ये इसको बोलते हैं प्लाउ शेप, एंड दैट इज प्लाउ शेप जो कि गार्डन में हेल्प करता है, ठीक है, सॉइल की लूजनिंग में हेल्प करता है, ठीक है। दिस इज डन बाय यूजिंग प्लाउ, प्लाउ क्या है, ये जो है मेड ऑफ वुड और आयरन, या तो वुड के बने हुए होते हैं या तो आयरन के बने हुए होते हैं, इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग फॉर, यदि हमारी सॉइल जो है बहुत ड्राई है तो हमें क्या करना होता है, प्लाउजिंग से पहले उसमें वाटरिंग करनी होती है, जिससे कि वो पूरी सॉफ्ट हो जाए, और प्लाउजिंग की जो एक प्रोसेस है वो इजिली कर सकते हैं, ठीक है। The plow in the plow's field may have big pieces of soil or trunks. जब वो plowing कर देते हैं, तो soil में आप देखिए बहुत बड़े-बड़े trunks, ना? Soil के बहुत बड़े-बड़े trunks, ना? आपको दिखाई देते हैं इनको, है ना? उनको भी उनको small pieces में convert करना है, जिससे soil हमारी एक सी हो जाए, ठीक है? It is necessary to break these trunks with a plant. Plant भी एक tool है, वो use करके इसे जाती है, ठीक है, ओके।
जैसे कि इसके कहीं कहीं पर अपने हाथ से रूल्स का यूज करते हैं, एंसेंट टाइम से करना है, ओके। और आज कहीं और दूसरे एरिया में हॉर्सेस का कैमल्स का भी यूज किया जाता है। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्राइएंगुलर आयरन स्क्रीन कॉल्ड प्लाउशेयर। देखिए ये है प्लाउशेयर, जो कि आयरन की बनी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और हमारे सॉइल के ग्रोथ में हेल्प करती है। ओके, द मेन पार्ट ऑफ द प्लाउ इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। इसके साथ जो लगा हुआ है वुड, ओके, जिसको हम प्लाउ शेफ्ट कहते हैं। देखिए जो प्लाउ शेफ्ट है ये आयरन का बना होता है, लेकिन जो प्लाउ शेफ्ट है ये हमारा वुड का बना होता है, ठीक है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू द बीम, बीम से अटैच होती है। ये देखिए जो फिगर है इसे देखिएगा, इसको बीम है, बीम से इसका अटैचमेंट होता है और वो जो रूल्स हैं उनको लेकर चलते हैं साथ में और पेड़ होती जाती है, ठीक है। ओके, वन पेयर ऑफ रूल्स एंड इट कैन एंड ए मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लाउ, इसको इजीली ऑपरेट कर पाते हैं। द इंडिजिनस वुडन प्लाउ इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लाउ नाउ। आजकल ना जो एंशियंट टाइम में प्लाउ होते थे वो उसमें वुड का प्लाउ शेयर और आयरन की बनी हुई प्लाउ शेयर होती थी, लेकिन आजकल पूरी तरह से उसको रिप्लेस कर दिया गया है और आयरन के ही बने हुए प्लाउ आ गए हैं। वो देखेंगे इसमें, इट इज सिंपल टू विच इज यूज फॉर द मूविंग व्हील्स। जो ये पीछे बना हुआ है फिगर देखिए, फिगर 1.1 का बी है ना, इसका यूज करते हैं हम वीड्स को रिमूव करने में, जो अनवांटेड प्लांट है इनको रिमूव करने के लिए हम इस टूल का यूज करते हैं, है ना। वो ये कैसे वर्क करता है, एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल इट हैज लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, या तो वुड की बनी हुई या तो आयरन की, ए स्ट्रॉन्ग रॉड एंड बेंट ब्लेड ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन एंड ऑफ इट। देखिए इसमें फिगर में आप देखेंगे ये जो फिगर बना हुआ है आपका, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कल्टीवेटर, अभी क्या है इसको जानिए। एंड नाउअडेज प्लाउइंग इज डन बाय कल्टीवेटर। कल्टीवेटर मींस इसमें क्या होता है, एक ट्रैक्टर होता है ड्राइविंग कल्टीवेटर, है ना, एक ट्रैक्टर होता है जिसके साथ कल्टीवेटर अटैच होता है और उसको चलाते हैं, ड्राइवर बैठे ट्रैक्टर को चलाएगा और फिर पीछे जो कल्टीवेटर लगा हुआ है उसके साथ सॉइल की प्लाउजिंग होती जाती है, टिलिंग होती जाती है। और इससे क्या होता है, द यूज ऑफ कल्टीवेटर से लेबर टाइम, ये हमारा मॉडर्न मेथड है ना, इसमें क्या होता है टाइम हमारा कम लगता है ना, टाइम कम लगेगा और हमारी सॉइल जल्दी तैयार हो जाती है। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारा सोइल। नेक्स्ट स्टेप इज इसमें हम क्या करते हैं, गुड क्वालिटी सीड्स हम सिलेक्शन करेंगे, जो गुड क्वालिटी सीड है उन्हें सिलेक्ट करना है, फिर उनको अपने क्रॉपिंग एरिया में डालना है ना, दैट इज सोइंग। सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड, है ना, जो गुड क्वालिटी सीड है उनको सिलेक्ट किया जाता है। उसका सिलेक्शन हम कैसे करेंगे उसके लिए देखिए, गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी, साफ होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, हैं सीड्स ऑफ ए गुड वैरायटी। फार्मर्स प्रेफर, जो फार्मर्स हैं प्रेफर करते हैं टू यूज सीड्स व्हिच गिव हाई, वो ऐसे सीड का सिलेक्शन करते हैं, ऐसे सीड का सिलेक्शन करते हैं जो हाई प्रोडक्टिविटी है, है ना, कैसे हमको हाई यील्ड, जो हमारी पैदावार हो, जो हमको हमारी यील्ड है वो अच्छी मिले, है ना, ऐसे सीड्स का वो सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। ओके, तो वो सिलेक्शन कैसे करेंगे हम, इसके लिए ना सीड्स जो हम ले रहे हैं, सपोज दैट सीड्स है विच ग्रो, सपोज दैट हमने अपने सीड्स लिए उनको हमने बकेट में डाल के अच्छे से वॉश किया, है ना, तो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर के सरफेस पर आकर फ्लोट कर रहे होते हैं, है ना,
फ्लोट करते हैं वो सीड्स कैसे हैं, ये सीड्स बॉटम सरफेस पे वाटर सरफेस पे अगर फ्लोट कर रहे हैं मींस वो बहुत लाइट है ना, हॉलो है मींस हल्के हैं, हॉलो है वो, दैट इज डैमेज सीड है ना, उनको हमको रिमूव कर देना है। और ऐसे सीड्स जो बॉटम पे बैठ गए हैं दैट इज गुड क्वालिटी सीड, उनको लेकर के हम कोई करते हैं, हमें क्रॉपिंग एरिया में वो सीड डालेंगे जो कि बॉटम पर बैठे हैं, जो वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं दैट इज हॉलो, वो हॉलो होते हैं हल्के होते हैं एंड दे आर डैमेज, उनको हम रिमूव कर देते हैं। जो बॉटम पर है उनको हम आगे लेके जाते हैं अभी सोन में, उसको हम अपनी क्रॉपिंग एरिया पे डालेंगे। ओके आगे देखिए, इसमें ये मेथड है जो हमारे गुड क्वालिटी सीड निकल के आए हैं फॉर सेपरेटिंग रूट, इसमें ट्रेडिशनल कुछ टूल्स हैं जिनका यूज हम करते हैं है ना सीड्स को अपने क्रॉपिंग एरिया में डालने के लिए। वो क्या है ट्रेडिशनल टूल्स, जो ट्रेडिशनल टूल्स हैं लेकिन द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप लाइक ए कॉलम, एक कॉलम की तरह का फिगर देखेंगे फिगर 1.2 में आप देखिए दो हुल हैं वो चल रहे हैं उसके पीछे एक कॉलम जैसी स्ट्रक्चर है उसमें सीड डाल दिया जाता है और जैसे जैसे वो मूव करते हैं साथ में वो कॉलम लेके चलते हैं उसमें सीड डालते जाते हैं और प्रॉपर डिस्टेंस पे वो सीड गिरते हैं। दैट इज अ ट्रेडिशनल मेथड, ये ट्रेडिशनल मेथड है जो कि बहुत समय पहले से किया जा रहा है। ठीक है ओके, द सीड्स आर फिल्ड इन टू द कॉलम पास डाउन फॉर 2 or 3 पाइप्स, फिर भी दो तीन पाइप लगे होते हैं उनसे वो गिरता जाता है। Having sharp end, बहुत छोटा सा एंड होता है नीचे जिससे एक सारे जिससे क्या है बहुत सारे सीड एक जगह पर ना गिरे, बहुत छोटा शॉर्ट शार्प एंड होता है नीचे वहाँ से वन वन सीड प्रॉपर डिस्टेंस में गिरते जाते हैं। ठीक है ओके, एक और मेथड है दैट इज सीड ड्रिल है ना, इसका यूज क्या है ये कैसे फंक्शन करता है, नाउअडेज़ द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, इसको ट्रैक्टर के साथ अटैच करके यूज किया जाता है। दिस टूल शोस द सीड्स यूनिफॉर्मली एक प्रॉपर डिस्टेंस में सीड को सीड की सोइंग करता है ना, और समय भी कम लगता है और ये प्रोसेस जल्दी हो जाती है। दिस टूल शोस द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ, एक प्रॉपर डिस्टेंस में एक और एक प्रॉपर डेप्थ में गहराई में सीड्स ऊपर ऊपर नहीं डालता, थोड़ा सा अंदर करके वो उसे डालता है, उससे क्या होता है जो सीड्स हैं वो क्रॉपिंग एरिया में ही रहते हैं। कभी कभी क्या होता है सोइंग की है ये सीड्स हमारे ऊपर ही हैं तो बर्ड्स वगैरह आकर के उसको है ना ले जाते हैं, फिर उसे अपना फूड बना लेती है, तो हमारा जो सीड्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, सीड से प्लांट भी कम हो जाते हैं। ठीक है तो each ensure that seeds get covered by the soil na, this seeds ko dalta bhi jata hai aur soil se use cover bhi karta hai na, jo iska matlab jo hamare seeds hai puri tarah se protected hai. Okay this prevents damage caused by birds that we have done. Okay sowing by using a seed drill shape time and labor, iski wajah se bhi hamara time aur labor na mehnat kam mehnat mein हमारा काम ज्यादा होता है और जल्दी से हम सोइंग जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है पूरा कर लेते हैं। ठीक है आर एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ प्लांट, सपोज दैट यदि हम प्रॉपर डिस्टेंस में सीड्स को नहीं डालेंगे तो क्या होगा, यदि एक ही जगह पर कई सारे सीड्स हमने डाल दिए गिर गए हैं तो एक ही जगह पर कई सारे प्लांट ग्रो कर जाएंगे और क्या होगा सबको प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल से वो नहीं मिल पाएंगे है ना, तो जो प्लांट है उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और जब ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तो हम अच्छे बीज नहीं दे पाएंगे। ओके दिस अलाउ प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, बहुत पास पास होने की वजह से कुछ उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, कुछ बहुत छोटे रह जाएंगे कुछ बहुत बड़े हो जाएंगे, इसकी वजह से सारे जो प्लांट हैं उनको सनलाइट नहीं मिलेगी प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, सनलाइट न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम दिस सॉइल, ये सारी चीजें नहीं मिलेगी इसलिए सीड को थोड़ा डिस्टेंस में डालते हैं। समटाइम्स इफ वी प्लांट्स हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवरलोड, कभी कभी हो जाता है कि एक ही जगह पर कई सारे सीड्स गिर गए और अगर वो फाइव प्लांट्स एक साथ ग्रो कर जाते हैं तो फिर उनसे आप अपने मैनुअली हाथ से ही निकालकर थोड़े डिस्टेंस में कर सकते हैं।
ठीक है. The substances which are added to this soil in the form of nutrients for the healthy growth of the plants. इसे हम क्या बोलते हैं, हम जानते हैं जब बाहर से ऐड करते हैं सॉइल की पॉटिंग में मेंटेन करने के लिए, जिससे हमारे जो प्लांट्स उनकी ग्रोथ अच्छी हो, हेल्दी प्लांट मिले, हमारी हमारी फील्ड अच्छी मिले, वो है मैन्यूरल फर्टिलाइजर्स. ओके, सॉइल सॉइल सप्लाइज मैन्यूर है ना, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप. दीस न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ये हम जानते हैं. इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, है ना. कई जगह ऐसा होता है सर्टेन एरिया के लिए है फार्मर को क्रॉप आफ्टर क्रॉप, एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप. एक क्रॉप अभी हमने ली है, उसकी हार्वेस्टिंग की है, तुरंत हमने अपनी सॉइल को प्रिपेयर किया और उसके बाद दूसरी क्रॉप डाल दी, ऐसा नहीं. इसके हमें अपनी क्रॉपिंग एरिया को कुछ समय के लिए वैसे ही छोड़ना चाहिए, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी नेचुरली मेंटेन हो जाए, है ना. वन मंथ टू मंथ आफ्टर दैट वी गो फॉर द कल्टीवेशन. ओके, In certain, okay, the field is never left uncultivated. कभी उनको भी cropping तो area है, पर field में उसको खाली नहीं छोड़ते. As follows, imagine what happens to the nutrients. यदि आप continue अपने cropping area में जो cropping field है, उसे नहीं छोड़ रहे और कौन उससे crop ले रहे हैं बार बार, तो क्या होगा बेटा, उस soil की fertility maintain नहीं हो पाएगी और उसके क्या होगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होने लगेगी, जो उसमें मिनरल्स हैं न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें कमी हो जाएगी, फिर जो हमारी क्रॉप है वो हमें अच्छी नहीं मिलेगी, चाहे हमें कितनी भी अच्छी क्वालिटी की सीड क्यों ना मिले. यदि सॉइल में हमारी प्रॉपर मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कमी है उसमें, तो क्या होगा, वो हमें अच्छी यील्ड नहीं दे पाएगी. कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल poor in certain nutrients. Is that clear beta? The soil ki jo minerals wagaira hai kam ho jate hain, jiske soil hamari kaisi nahi poor hai na, aur kisi continuous process chalti rahi to wo soil hamari unfertile ho jayegi, hai na. Isliye therefore farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. Isliye samay samay par farmer ko apni cropping area mein manure dalte rehna chahiye, hai na, aur us fertility ko maintain rakhna chahiye. This process is called manuring. Improper or insufficient manuring results in the यदि आप अपने soil की fertility पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसमें जो mineral nutrients हैं उनको maintain नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो आपको crop मिलेंगे वो भी plant मिलेंगे और उसके वजह से जो आपको grains मिलेंगे वो भी अच्छी quality के नहीं मिलेंगे. Manure is an organic substance. ये एक organic substance होता है ना, obtained from the decomposition of the जो भी प्लांट की decomposition से बनता है ना, जैसे humus होती है same उसी तरह manure होता है, जो भी organic है पूरी तरह से stable होता है हमारे cropping area के लिए. Farmers dump plants and animals waste okay in pits at open places and allow it to decompose. Farmers खुद से भी manure तैयार करते हैं, जो plants हैं animals हैं their plants या animals हैं उनको वेट पे डालते जाते हैं और उनकी वो manure तैयार हो जाती है. The decomposition is caused by some microorganism. The decomposed matter as organic, है ना? Manure. ये कौन करता है decomposition? Microorganism जो कि bacteria and fungi, ठीक है? ओके, आगे देखिए सुनिए, इसमें है एक्टिविटी 1.2. इसमें हाँ, इसमें ये बताया गया है ना, जैसे कि ये मूंग है ना, मूंग है, ग्राम सीड्स है, जर्मिनेट है. इसमें क्या होता है, आपने मूंग लिया और ग्राम चना जैसे बोलते हैं उसको, तो आपने लेकर के जर्मिनेट किया. सेलेक्ट थ्री इक्वल साइज सीडलिंग्स, और इक्वल साइज के थ्री सीडलिंग्स, सीडलिंग्स मीन होता न्यू जर्मिनेटिंग प्लांट, उनको लेना है. उसके बाद आउट ऑफ दीस नाउ टेक 350 ग्लासेस, खाली ग्लास ना लेना है और सिमिलर वेसल लेना है, बाद में एबीसी ए बी सी का इस्तेमाल कर देना है. टू ग्लास ए एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल, ए में आप थोड़ा सा सॉइल डाल दीजिए, ठीक है, मिक्स विद द लिटिल काउ डंग,
उसमें आप थोड़ा सा काउडन भी ऐड करेंगे. इन क्लास बी फॉर द सेम अमाउंट ऑफ फाइल मिक्स विद लिटिल यूरिया. दूसरे वाले में फाइल के साथ यूरिया मिक्स कर दीजिए. तीसरे वाले में सेम अमाउंट ऑफ सॉइल एंड विदाउट एडिंग एनीथिंग. अब तीसरे वाले में सिर्फ सॉइल करके उसमें आपने किसी तरह का ना यूरिया मिक्स किया है ना तो काउडन डाला. क्या होगा ऑब्जर्वेशन करेंगे ना, तो विदाउट एडिंग एनीथिंग क्या होगा. नाउ फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर तीनों में हम वाटरिंग कर देंगे है ना इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग्स इन देम. प्लांट कर दिया हमने, लगा दिए सीडलिंग्स लिए तो उनमें लगा दिया. अब हमारा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होता है. क्या होगा कीप देम इन सेम प्लेस एंड वाटर देम डेली. तो हम डेली ऐसी जगह कर देते हैं जहाँ पर प्रॉपर सनलाइट आए क्योंकि तो पर डे उसकी वाटरिंग करते हैं. क्या होगा आफ्टर 7 to 10 डेज ऑब्जर्व द ग्रोथ. उसकी ग्रोथ को हम देखेंगे तो क्या बटे आर दी प्लांट्स इन आर दी ग्लासेस ग्रो एट द सेम प्लेस सेम सेम फेज. एक ही तरह का समय ग्रोथ होगा नहीं. क्यों सो बेटर हम देखेंगे क्या होगा बेटर ग्रोथ ऑफ दी प्लांट जिसमें होगी जिसमें कि फर्टिलाइजर्स जिसमें कि हमने यूरिया डाली है ना या हमने काउडन डाला है उसमें प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी क्योंकि उसमें वो अच्छी प्रॉपर मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाएंगे. लेकिन जिसमें हमने सिर्फ सॉइल लिया है उसकी ग्रोथ तो होगी लेकिन उन दोनों के कंपेयर में कम होगी. ठीक है फर्टिलाइजर्स आर केमिकल. जो फर्टिलाइजर्स होते हैं केमिकल बेस्ड होते हैं ना सब्सटेंस है विच आर रिच इन पर्टिकुलेट एंड न्यूट्रिएंट्स. हाउ आर दीस डिफिकल्ट फ्रॉम मैन्योर है ना. डिफरेंट ये मैन्योर जो भी मैन्योर हमारा ऑर्गेनिक है फर्टिलाइजर हमारा केमिकल बेस्ड है ना. ये ना केमिकल बेस्ड है दैट इज हार्मफुल. यदि हम फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करेंगे तो हमारे प्लांट्स के लिए हार्मफुल है. ओके सपोज दैट यूरिया अमोनियम सल्फेट सुपर फास्फेट पोटेशियम एंड एनपीके को नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम की कोई कॉम्बिनेशन है. एनपीके द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड. इससे उन्हें अच्छी यील्ड तो मिलती है लेकिन यदि हम फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करेंगे तो उससे हमें लॉस होगा है ना. इनडायरेक्टली लॉस जब रेनफॉल होती है तो यही फर्टिलाइजर बह करके कहाँ जाता है वाटर बॉडीज में और वाटर बॉडीज से कहाँ जाता है हम तक वापस आता है. ठीक है तो दैट इज वेरी हार्मफुल उसका यूज हमें कम ही करना चाहिए. ओके बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल. देखिए यदि हम फर्टिलाइजर को बहुत ज्यादा यूज करेंगे सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी मेंटेन करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है. वो आप पे डिपेंड हो जाएगी और आपको बाहर से भी फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ेगा. ठीक है फर्टिलाइजर हैव आल्सो बिकम एक्सपोज टू वाटर फॉर्मेशन या दुनिया लगाई थी आपको. इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू क्या करना चाहिए सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर बाय ऑर्गेनिक मैन्यूर. फर्टिलाइजर की जगह हमें ऑर्गेनिक मैन्यूर का यूज करना चाहिए. ठीक है दो क्रॉप यदि आप ले रहे हैं एक क्रॉप के बाद आप आइए तो दूसरी क्रॉप लीजिए. ठीक है द यूज ऑफ मैन्योर इंप्रूव सॉइल टेक्सचर सॉइल की टेक्सचर यानी सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करती है ना. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी जल्दी रहते हैं और अपना काम करते हैं. ठीक है ओके एक और मेथड है रिप्लेस करने का सॉइल की न्यूट्रिएंट्स वो क्या है क्रॉप रोटेशन. आप क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं. एक बार आपने बीज लिया है दूसरी बार आप पल्सेस ले लीजिए. इससे क्या होता है जो पल्स फैमिली है जो पी फैमिली है सबको जड़ पी है ग्राम है इनकी रूट्स में रूट नोड्स होते हैं जिनमें बैक्टीरिया होता है ना. एलिटोवेव के बैक्टीरिया है ना. ये क्या करता है ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल की जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है. ठीक है तो ये कर सकते हैं क्रॉप रोटेशन कर करके ये भी है. ओके जैसे कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया है राइजोबियम ये भी पाया जाता है ग्राम फैमिली ये बी फैमिली लेग्यूमिनेसी फैमिली इसकी रूट्स में जो प्रोटीन्स होते हैं इनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है उसे नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है ना यानी लिक्विड फॉर्म में लाता है जो सॉइल के थ्रू प्लांट्स को अवेलेबल हो जाती है जिससे सॉइल में नाइट्रोजन की कमी नहीं होती. ठीक है ओके ये वाले टेबल आप बना लेंगे टेबल 1.1 है ना. एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर है ये सब आप जान चुके हैं. आज इतना ही रखते हैं कल हम लोग इरिगेशन पढ़ेंगे है ना. इरिगेशन तो हम पढ़ कर आइएगा. ओके इरिगेशन के साथ हाँ
अभी काफी एज है, ओके इरिगेशन को प्रॉपर कराइएगा, ठीक है। अच्छा ये बताएं अभी तक जितना पढ़ाया समझ में आया? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, मैम साइंस के लिए पेयर ग्रुप बना ले, मैम साइंस के लिए पेयर ग्रुप बना ले, कौन कौन से डायग्राम बनाने हैं? सब समझ में आ गया बेटा? यस मैम, यस मैम, मैम फिगर 1 कल इरिगेशन पढ़ के आइएगा, इरिगेशन हम पढ़ेंगे, डायग्राम कौन कौन बनाने हैं मैम? डायग्राम बनाने हैं फिगर फिगर बनाने हैं, फिगर 1.1 का ए मैम, है ना? और टेबल बनाने हैं, बना लेंगे, बस इतने ही फिगर बनाने हैं, ठीक है? फिगर 1 नोटबुक बनानी है? यस मैम।